की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का कोविड 19 से लड़ने में बड़ा सहारा रहा। प्रधानमंत्री के बताए गए काढ़े और हल्दी वाले दूध को करोड़ों लोगों ने अपनाया और कोरोना का मुकाबला किया। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी ही फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। आयुर्वेद पद्धति से न केवल इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि कई असाध्य रोगों का इलाज भी होता है। आयुर्वेद के प्रमोशन से मेडिसिनल प्लांट की वैकल्पिक खेती का एक बहुत बड़ा अवसर किसानों को मिला है। दुनिया के बाजार में आयुर्वेदिक दवाओं की पहुंच से देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई, आयुष मंत्रालय की स्थापना ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा विजनरी स्टेप है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि विश्व भर में कहीं भी सेपरेट फेडरल मिनिस्ट्री ट्रेडिशनल मेडिसिन की हो ऐसा कहीं नहीं है। दिस इज़ लाइक वन ऑफ इट काइंड, इट्स काइंड। और कैसा हैंड होल्डिंग हुआ उसके कुछ मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये मंत्रालय बनते ही उन्होंने आयुष मंत्रालय के लिए नेशनल आयुष मिशन दिया, जो पब्लिक हेल्थ डिलीवरी में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष इसके द्वारा हुआ, 5,000 करोड़ की ये योजना थी, अभी फिर से उसका एक्सटेंशन भी मिला है दूसरे 7,500 करोड़ के खर्च से अगले 5 वर्ष में। तो ये नेशनल आयुष मिशन का भी एक पक्का उदाहरण है। अब आप देखिए कि उसके कारण क्या हुआ कि देश भर में आयुष का बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ। प्रधानमंत्री सेवा समर्पण और आरोग्य की